कितने जा रहे हो? थोड़े मम्मी पापा कितने ने? मैं तो कितने देखी देखी लग रही है। पुत्र तू इतने नेड़े ही रहनी है। मैं नानू पहचान लिया। तुझे पिंकी दी मम्मा हो ना? पिंकी दी देशो? तू पिंकी नू जानदी है? हाँ जी, ते ए भी जानदी है कि पिंकी तानू किन्ना प्यार करदा है। मैं पिंकी नू नहीं दस्या, पर मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे कोल भी देशो वर्गी मम्मा होवे। है गल सुनन च तां बहुत सोहनी लगदी है पुत, पर तरसदी वे मेरा अपना पुत ही मेरे नाल नाराज है। मैं जिन्नी मर्जी कोशिश कर लवां पर ओ तां मेरे नालों दूर ही हो ही जांदा। मैं ते नहीं मंदी, थोड़े चेहरे ते ते ममता छिड़कती है। तुसी निमरता करके बोल रहे हो ना? तुसी पिंकी दियां गल्लां क्यों सुनदे हो? ओनू की पता कि ओ किन्ना लकी है। कोशिश करना पहला कदम है, ते तुसी कदी कोशिश करनी बंद कीती? वेख्या मेरी मम्मी तो एक कदम अगे ही हो तुसी पहले ही। तेरी मम्मी किथे है? ओना नू इते मैं लब रही हूँ किन्ने दिनों तो, पता नहीं मैनू छड़ के किधर चले गई। इन्नी प्यारी जी कुड़ी, किसी दा मन भी किदा कर गया इनू छड्डन दा? देशो चिंता ना करो, माता चिंतपुर्णी ते मैनू पूरा विश्वास है, वो मेरी हमेशा मदद करदे ने। मैनू तुहाडे ते भी पूरा विश्वास है कि तुसी कोई ना कोई तरीका लभ भी लोगे पिंकी नू खुश करन दा। तू गल्लां तां बहुत सियाणियां करदी। अच्छा मैनू दस, जदों तेरी मम्मी तैनू मिलूगी तां तू की कहेंगी अपनी मम्मी नू? सानू बच्चियां नू उहनां दा साथ ते प्यार चाहीदा हुंदा है। सो जदों मिलेगी तां जान नहीं देवांगी, पक्का वादा है। इन्ने उत्साह नाल भरिया बच्चा मैं कदी नहीं वेख्या। तेरियां गल्लां सुन के तां मैं भी हुण पूरी कोशिश करांगी, अपने पिंकी पुत दे दिल दा दरवाजा खोल के रहांगी। चलो देशो, हुण मैं लेट हो रही हां, ते ऑल द बेस्ट। ते पिंकी नू भी अकल आ जाएगी कि जो ओदे कोल है सो दी ज्यादा कदर करे। पुत, तेरियां गल्लां मैनू हमेशा चेते रहनगियां, ते मैं वाहिगुरु अगे रोज मत्था टेकांगी कि तैनू तेरी मम्मी छेती छेती मिल जावे, ते तू ना मैनू अपनी वड्डी मम्मी समझी। जदों भी याद आए मैनू मिलन आ जाए, मेरे भी कलेजे नू ठंड पै जाऊगी। चाइरिस? नहीं नहीं कॉन्टिनेंटल, कुछ खास नहीं। चाय पी, खास बना के लेके आई हूं मैं तेरे लिए। वाकई खास? ओदा उन्नी खास नहीं है जिन्नी खास तू बनाना है। नहीं नहीं, तुहाडे हाथ दी चाह विचों तां मैनूं होर भी बहुत स्वाद आउंदा, मां दे हाथ दे स्वाद दी तां गल ही कुछ होर आउंदी है। थोड़ा जिहा दिल खोल के देखो, कई बार माँ तो अलावा होरना दे हाथ विच भी कोई होर गल हुंदी है, बस थोड़ी जी ऊंच नीच हुंदी है। हुण तुसी किहदी गल कर रहे हो? देशो दी। मैं कदों कहा कि ओह चाह बुरी बनाउंदी है? नाले मैं तां कदे ओहदे हाथ दी चाह पीती ही नहीं। मैं तो चाह दी गल नहीं करती, मैं तो उदां ही गल कर रही हां। उदां ही उहनूं की हो गया? होया तां कुछ नहीं, पर मैनूं इन्ना क पता लग गया कि तू उहनूं ज्यादा पसंद नहीं करदा। पर मैं तां उहनूं ना पसंद भी नहीं करदा। चंगी गल है, ते करना भी नहीं चाहिए। मैनू ना वो तो बहुत आसान है, वो बहुत कुछ कर सकती है। हुण तां उहने काम शुरू कर ही दिता है, लग ही जाऊगा पता हौली हौली। तू देख लवी, जो होगा चंगा ही होगा। मैनू तां उहनूं देख के ना अपनी भैण दा चेता आ जांदा जिन्हें सारा बिजनेस खड़ा कीता। तुसी बहुत वड्डी गल कह रहे हो मम्मी जी, अजे तां उहनूं दुग्गल फूड चेन नाल जुड़िया मसा 2 दिन होए ने। हाँ,
पर उन्हें दो दिन दे बेची ना मैंनू वो दे बिजो तेरी माता जी दा चलकारा पे आ। अच्छा ओ जी की गल है उदे तू उदा उत्साह नहीं देखिया ते ना ही उदी बेचैनी देखी है जेड़ी मैं उदे चेहरे ते देखी है। तेरे माता जी भी इसे तरह ही करया करते सन जदों उन्होंने गाहकां दे लई नवे पकवान बनाने हुंदे सी ते तेरे पिता जी ने हमेशा उन्होंने उत्साहित किया सी। मैनू थोड़ा थोड़ा तो चेते है पर मैनू तो सारा कुछ चेते है। कल दियां तां गल्लां नहीं वो तो रब ने एक हादसे विच मेरी भैन नूं अपने कोल बुला लिया नहीं तो वह इस बिजनेस नूं सारी दुनिया च खड़ा कर सकती सी। बिजनेस अपनी जगह तो घर अपनी जगह उदां तां मैनू माता जी का चेता कदे कदे जरूर आउंदा पर तुहाडे करके ना मैनू कदे उहनां दी कमी महसूस नहीं हुई। मैं तो जिन्ने जोगी सी तैनू संभालना ही सी। जिन्ने जोगी सी जिन्ना प्यार ना मैनू तुहाडे कोलों मिलिया ना उन्ना तो मैनू पिता जी कोलों भी नहीं मिले। मैं तो पिता जी दे जान दा झटका भी ना बस तुहाडे आसरे सह गया सी। जे मेरे हुंदिया तैनू जिंदगी दे विच झटके ही सहने पैंदे तां भैन जी नाल कीता होया वादा ही टुट जाना सी। मैं उन्हां दे नाल वादा कीता सी मैं तैनू कदे भी मां दी कमी महसूस नहीं होण दूं। यानी कि तुसी मैनू प्यार नहीं करदे बस माता जी नूं दित्ता वादा ही निभा रहे हो। गल्लां बहुत करदा है तू मेरे लई तां जेठा पुत तू ही है मेरा ते जेठे पुत नाल मोह बहुत हुंदा है। तां दसो जेठे पुत दे लई अज की बनाऊंगे। चल उठ जल्दी कर तेरे लई दही वड़े बनाए ने मैं कदों दे भैन जी वर्गा स्वाद तां नहीं होऊगा पर इन्ने माड़े भी नहीं होणगे। ਉਹ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਕਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਉਸ ਸਵਾਦ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਸਖਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਏਗਾ। अच्छा तू तो गेम खेलता पिया। वाह ये तो बड़ी वधिया गेम है किदा मारदा पिया तू दुश्मना नू। मैनू तो कोई भी गेम नहीं खेलनी आउंदी लैपटॉप ते। तेनू पता है मैनू तो दफ्तर विच भी नहीं पता लगता कंप्यूटर दा कुछ उत्थे ना सारे लोकां नूं पता है। मैं तां आड़ी जानी आ। ओ देख ओ देख आ गया पिछे मार उन्हूं मार। शाबाश आ वाले बटन नाल गोली चलदी है ते फिर आ मूंह किदां घुमांदे आ भालू दा। मैनूं तां इह भालू ही लगदा है बिलकुल तेरे वर्गा। देख तां सही किदां कुट्टी जांदा सारिआं नूं। अज नहीं मनदा इन्ना सौखा बहुत गुस्से होया पे है। परे होके बैठो मैनू गेम खेडन दो। हो किन्ना गंदा मुंडा है तू तेरे को बिल्कुल भी वेल नहीं अपनी मम्मी नाल गल करन दा। तेरी मम्मी हुण आई है तेरे कोल सारा दिन दी। बोलो ना ज्यादा मैं गेम खेडदा गल्ला नहीं करदा। ओही तां मैं कहनी आ थोड़ी देर गेम बंद कर दे। चल दस मैनू किदा रहा तेरा अज दा दिन। जिद्दां दा मर्जी रहा होवे तुहानू की ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੁੱਤ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਟਾਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੂਰਬ ਪੁੱਤ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ। ਸੁਣਾਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ। ਪੱਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੇਲ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਹੀ ਖੇਡ।
हाँ जी मैं गेम ही खेडनी है। देख लो मम्मी जी मैं तो ऐदे वास्ते सरप्राइज लेके आई हाँ तो कहिंदा वेखना ही नहीं। अच्छा की लेके आई है तू? ऐदा थोड़ी जे मैं तुहानू दसदा फिर वो सरप्राइज की रह गया। हाँ ये गल सही है। चलो मम्मी जी मैं तुहानू दिखांदी हाँ सरप्राइज, बाकी जे होर किसी ने वेखना होया तो ओदी मर्जी, नहीं तो खेडदा रहेगी। चलो मम्मी जी वो आऊगा भी कि नहीं? वो सबर कर आजूगा। सबर रख के तो मैं उधरों आ गई, उन्हें तो मेरे वाल वेख्या भी नहीं। वो न्याणा तो रुस्सा तो तेनू पता ही है किदां दा हुंदा है, हुणे आ जाना उन्हें। मैनू तो बहुत गुस्से विच लगदा सी, गेम भी बेकार जी सी फिर भी खेडी जांदा सी बैठा। वो चुप कर, मैनू लगदा वो आ गया। वेख लो मम्मी जी मैं तो इन्नी मेहनत की है सरप्राइज तैयार करन विच, पर की कर सकता है कोई जे पूरब दी किस्मत विच है ही नहीं ऐ सरप्राइज दे मजे लेना। देखो तो सही मम्मी जी कितनी सोहनी चीज है, पर जे हुण किसी ने वेखनी नहीं तां कोई की कर सकता है। मैनूं लगदा आ गया मम्मी जी। मम्मी सरप्राइज की है भला? वाह ये तो बहुत सोना घर है। हाँ ए मेरे पुत्त दा सोना जिहा घर है। मेरा घर है? मैं एदे विच रहना करना हूं। हाँ पुत्त तेरा घर है ता तू ही रहेगा। कल्ला ही? नहीं जिनू तेरा मन करे वाल भी अपने घर विच। तुसी चलोगे मेरे नाल मेरे घर विच? हाँ पुत्त मैं अपने पुत्त दे नाल इस घर विच रहूंगी, चल आ जा। खुश है मेरा पुत? हाँ जी मैं बहुत खुश हाँ। मैनु माफ कर दे पुत, आज मैनु दफ्तर विच बहुत कम सी तां करके तेरी मम्मी तेरे नाल घूमन नहीं जा सकी, पर हुन मैं हमेशा तेरे नाल रहूंगी। रात नु भी मेरे नाल मेरे घर विच? हाँ तेरे इस घर विच, ते एथे बह के ना हजे सी दो चीजियां भी खानी है। तुसी चीजियां भी लेके आए हो मेरे लिए? आ देख मैं तेरे वास्ते चॉकलेट ते फ्रेंच फ्राइज। वाह ये तो बहुत टेस्टी ने। चल खा खा नारे दस ना सही आज कितना मजा आया मेरे पुत्र नु? बहुत मजा आया, शिवम अंकल मैंने बहुत सारी थावां ते लेके गए ते बहुत कुछ खादा। फिर ते नजारा आ गया होना तेनू, पर जे तुसी हुंदे ना तो होर भी नजारा होना सी। कोई गल नहीं मेरे पुत, हुन मैं हर जगह ना तेरे नाल जाया करूंगी, सारियां थावां अपने आप घुमाया करूंगी अपने पुत नू। पर तुहानू तो काम भी बहुत हुंदा है। काम तो हुंदा है पुत, पर काम भी तो तेरे करके ही करदी हां ना, मेरा बस चले तो मैं हर वेले तेरे नाल ही रवां, पर ओदे लई भी तो काम करना पैंदा, घूमण वास्ते भी तो पैसे चाहिदे हुंदे, समझदा है ना? हाँ जी मैं समझदा। कोई नहीं पुत इस बार दी लोहड़ी तो असी कट्ठी मनावांगे, इस बार दी लोहड़ी तेरे वास्ते बहुत खास होएगी। अरमान नूं तां मेरी किसे गल नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, जिन्नी मर्जी फूक दे लवां पर देशों दे खिलाफ कोई गल नहीं सुनदा, उहदे मूहरे भिज्जी बिल्ली बन के ना बह जांदा। नैंसी दा कानू फोन आ रहा है। हाँ नैंसी बोल की गल आ? की गल है, बड़ी टुट टुट पैंदी है। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਆ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਪਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ,
मेनू अग लगी पी इस वेले हुन केड़ी गल नूं सड़ी पई है केड़ी गल नूं सड़ी पई है ओ देशो ना अरमान दे ऑफिस च ओदी बॉस बन के बह गई है ते अरमान नूं ओदे थल्ले लग के काम करना पैणा ऐ तां वधिया गल है कि अरमान ओदे थल्ले लग के काम कर रहा है बस ओ ओदीआं जड़ां वड देवे उत्थे ओ जे अरमान इन्ना जोगा हुंदा तां रोणा काहदा सी मैं बथेरी गल ओदे दिमाग च पाउण दी कोशिश कीती है पर ओदे खाने च नहीं पैंदी क्यों की कहिंदा ओ कहिंदा देशो नूं ऐ ओदा ना ओदे टैलेंट करके मिलिया इस विच अरमान कुछ नहीं कर सकदा चल कोई ना जे एक स्कीम ना चली तां मेरे कोल एक होर स्कीम भी है नहीं नैंसी मैनू नहीं लगता इस वेले कोई भी स्कीम काम आनी है मेरे हिसाब नाल अरमान ते होर दबाव पाउण नाल कोई गल नहीं बननी इस वेले दबाव पा के भी केड़ी गल बनदी पई है बिल्कुल सही गल है इस वेले बेइज्जती नाल उहनूं धरती वेल नहीं दिंदी होनी देशो नूं तां उहनें इस करके छड्डिया कि देशो पेंडू है ओहदे मैच दी नहीं पर हुण देशो ओहदे सर ते चढ़ के बह गई है तू तां मैनूं कोई स्कीम दे लगी सी पर तू मेरी कहानी मैनूं क्यों सुनाई जानी है स्कीम तो पहला मैं तेनू एक सलाह देना चाहती हाँ कि जे तू अरमान दे उते ज्यादा दबाव पाया तो उन्हें तेरे तो खिज जाना है किते पल्ला ही ना छुड़वा लवे वो तेरे तो हाँ नैंसी ये गल तो मैं सोची नहीं तू तो ये गल कह के मैनू डरा ही दिता है यही सलाह देनी सी तू होर भी कुछ सोचती हाँ पर फिलहाल मैं तेनू यही सलाह देनी सी अरमान नाल जिन्ना मिठी हो सकती है हो खिज तो तेनू भी चढ़ी होनी है पर इस वेले जो तू अरमान दे उत्ते ज्यादा दबाव पाया तो उन्हें तेरे तो दूर हो जाना है फिर तेनू पता ही है खर्चे चलाने लिए तेनू कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा हाँ यार हुण सोने का अंडा देने वाले मुर्गे नू तो नहीं मार सकती मैं बस करो मम्मी जी तुसी तो लगातार ही मेरे मुंह विच बुरकियां पाई जा रहे हो जिदा मेरा मुंह नहीं एक मशीन हो गए बहुत ही गल्ला नहीं मारन लग पाया तू पहला खा ले फिर गल्ला करी नहीं जी तुसे पहले मेरी गल सुनो तुसे ऐ दसो कि असि आज फिर उसे घर विच सोना है हां तू भावे रोज सो जाया कर तेरे वास्ते ऐसे करके ते बनाया ओ घर मैं पर मैं उते कल्ला नहीं सोना तन्नु भी मेरे नाल ही सोना पैना मैं तेरे नाल सो जाया करांगी अच्छा मैनूं दस तेनू कल राती मजा आया ना हां जी और चॉकलेट भी बहुत मजेदार सी देशु मैं तेरे गल करनी सी हां जी दसो हो तो मैनू पता कि मैं तेरे पहले कोई चंगी नहीं कीती जो गल्ला हो गया उन्हां नू हुन करके कोई फायदा नहीं हुन दी गल करो हाँ जो हो गया सो हो गया पर मैं सोच रहा सी कि इस सब कासे वास्ते तो मैनू माफ कर सकदी है ओदा तो मैनू पता कि तू मैनू माफ नहीं करेंगी पर मेरे दिल जो आया ना मैं तेनू कहता जे पता है तो माफी क्यों मांग रहे हो मेरे लिए ओदा भी हुण इन्ना गल्लां दा कोई मतलब नहीं हाँ मैनू सारा कुछ देता पिया कि हुण तू मेरी परवाह भी नहीं करदी तुहानू अजे भी इह क्यों लगदा है कि मैनू थोड़ी परवाह करनी चाहिए मेरी हुण अपनी भी कोई जिंदगी है तो मैं उन्हू अपने हिसाब नाल जीना शुरू कर दिता हाँ हाँ मैनू देख के चंगा लगा कि तू अपनी जिंदगी अपने हिसाब नाल जीनी शुरू करती है तो बहुत तरक्की भी कर ली है पर जे तू मेरा साथ दे दे ना तो शायद मेरी भी कोई हेल्प हो सकती है मैं थोड़ी मदद करा जे तुसी अपना काम करोगे मेरे वालों ताई मदद हो सकती है हाँ मैं तो करदा ही पियावा नाले हुण भी ना जिहड़े तेरे फूड सेक्शन दीआं नवीआं एड्स बारे गल करनी सी ते ओह दिखाउणियां सी तैनूं दफ्तर चलो असीं उत्थे जाके आही काम करां मैं तां इह सोच रिहा सी कि साडी जिथे सलाह हो जांदी ते साडी इक राय बन जांदी होणा तां उही जो तूं चाहुंदी है बाकी बस मैनूं तेरी हां दा फायदा हो जाणा सीगा मेरी किसी गल ना थानू फायदा भी हो सकता है आज तक तो यह कदी भी नहीं होया अरमान पर जो भी है मैं थानू दस दिनी हूँ कि मैनू घर विच दफ्तर दियां गल्लां करना पसंद नहीं है घर विच मसा मसा तो अपने पुत जोगा समा बचिया मेरे को मैं उन्हू काम दी गल्लां विच खराब नहीं करना चाहती
असीं इह गल्लां दफ्तर विच करांगे। ठीक है। चल पुत, तू छेती छेती रोटी खा ला, फिर असीं सोचते हैं कि शाम नूं की मस्ती करनी। थानू चेते है ना कि तुसी मेरे नाल लोहड़ी दी मस्ती दा वादा कीता सी? असीं अजे ओहदी भी गल करनी है, किद्दां मनाउणी लोहड़ी। हाँ पुत, मैनूं चेते है मेरा वादा, असीं लोहड़ी वाले दिन खूब मस्ती करांगे। रुक, मैं तेरे वास्ते दुध लैके आई। मैं मनाउणी है तेरी लोहड़ी। बहुत ही उच्ची उछाला ना मार पुत, तेरी मम्मी नू ना लोहड़ी वाले दिन भी अपने काम च बिजी रहना है।